हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू निंजा प्रैप दिस इज कपिल गोयल तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की पी जी एडमिशन्स के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है ओपन काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में कौन कौन एलिजिबल होंगे कौन एलिजिबल नहीं होंगे इसके पहले वाले वीडियो में जब थर्ड मेरिट लिस्ट निकली थी तो तो भी मैंने आपको बताया था कि शायद पंजाब के अंदर ओपन काउंसलिंग होगी कारण उसका ये था सिंपल सा क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट उसकी जब हमने बात की थी उसको जब ढंग से गौर से देखा था तो उसके अंदर वो सीटें हैं जो फिल ही नहीं हो रही थी सेम सीटें आ रही थी तो 90 परसेंट तक ये चांस लग रहा था कि यहाँ पर ओपन काउंसलिंग होगी तो ओपन काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है डायरेक्ट काउंसलिंग हो रही है तो वीडियो को कंटिन्यू करें आगे आगे ज़्यादा बातचीत करें इस बारे में तो उसके पहले जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि जिन लोगों का अभी तक कहीं एडमिशन नहीं हुआ है जो लोग अभी एडमिशन के लिए इधर उधर सर्च कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो पंजाब में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाए तो बात की जाए कि सबसे पहले तो कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है तो वो लोग जिन्होंने सी यू ई टी का जो एग्ज़ाम दिया था यानी कि सी यू ई टी के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे और जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था पहला पहला तो सी यू ई टी में अपियर हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दूसरा जो सी यू ई टी में अपियर हुए थे और जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा तीसरा जो सी यू टी में ना तो अपीयर हुए और ना पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा तो तीनों लोग यहाँ पर जिन्होंने चाहे सी यू टी दिया है नहीं दिया है सी यू टी दिया है पंजाब का फॉर्म नहीं भरा है सी यू टी दिया है पंजाब का फॉर्म भी भरा है तो वो तीनों ही लोग यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए पार्ट ले सकते हैं कैसे अप्लाई करना है ये जो गूगल लिंक दिया है ये जो गूगल लिंक दिया है इस गूगल लिंक को फॉलो कर कर ये फॉर्म आप भर सकते हैं गूगल फॉर्म है इस गूगल फॉर्म को आपको भरना है लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की वो है एक बारह एक बारह लास्ट डेट है जो भी लोग सेलेक्ट होंगे मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट दो तारीख दो दिसंबर को शाम पाँच बजे आउट होगी अगर जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पाते यानी कि उनके फॉर्म नहीं पहुंचते हैं तो वो जो भी सीट वेकेंट रह जाएगी उसको जनरल कैंडिडेट से फिल कर दिया जाएगा ठीक है वापस बोल रहा हूँ ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के कैंडिडेट्स अगर प्रॉपर नंबर में नहीं पहुँचे या प्रॉपरली उनको फॉर्म नहीं मिले इनके तो अगर सीट वैकेंट रहती है तो उसको यू आर कैटेगरी से फिल कर दिया जाएगा ठीक है फिर उसके बाद प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट्स प्रीवियसली फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश जिन्होंने पहले भी भरा हुआ है उनको वापस से ये फॉर्म भरना पड़ेगा अगर कोई सोच रहा है कि हमने पंजाब का फॉर्म पहले लगाया हुआ है तो वो ख़त्म सब अब ये बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो गूगल फॉर्म के थ्रू भरा जा रहा है कोई फीस इसमें नहीं है यहाँ पर जो वेकेंट सीट्स है उसकी डिटेल दी हुई है क्या क्या वैकेंट सीट्स है मैं कुछ एक डिपार्टमेंट में बता देता हूँ जैसे कि मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स और बॉटनी में बता देता हूँ तो सबसे पहले तो मैं फ़िजिक्स में बता देता हूँ तो फिजिक्स में जनरल के अंदर सीटें बची है पाँच ओ के अंदर चार एस सी एस टी एक और ई डब्ल्यू एस एक इसी तरह से हम केमिस्ट्री में बात करें तो जनरल में आठ है एस सी ओ बी सी में पाँच है एस सी में तीन है एस टी में दो है ई डब्ल्यू एस में दो है अगर आप बॉटनी वगैरह देखते हैं तो ये लगभग फिल हो गया है यहाँ पर ओ बी सी एस सी और ई डब्ल्यू एस दो है बायो केमिस्ट्री में जनरल में दो है एस सी में चार है इसी तरह से अगर हम बात करें जूलॉजी की जूलॉजी कहाँ गया ये रहा तो जूलॉजी में काफ़ी सीट्स हैं चार जनरल में है एक ओ में है एक किस में है एस में तो ज़्यादा सीट है तो जो मेरे को यहाँ दिख रही है वो दिख रही है फिजिक्स में और किस में दिख रही है केमिस्ट्री में तो बात करें अगर कट ऑफ़ की कट ऑफ़ कितनी जा सकती है तो कट ऑफ यहाँ पर मेरे समझ में लोग एडमिशन ले नहीं रहे हैं है ना तो जितना मेरे को लगता है कि यहाँ पर अब जो एडमिशन हो जाएगा ओबीसी का तो मैं अगर बात करके चलूँ तो सौ सौ एक सौ बीस एक सौ दस नंबर पे एडमिशन हो जाएगा इसी तरह से जनरल का भी इतने नंबर पे एडमिशन हो जाना चाहिए एसटी की भी बात करूँ तो एसटी का साठ सत्तर नंबर पे एडमिशन हो जाएगा अगर मैं बात करूँ एससी की तो ये भी करीबन इतने ही नंबर पे एडमिशन हो जाएगा सेम कहानी केमिस्ट्री की है सौ नंबर के आसपास तक भी लोगों का एडमिशन हो जाना चाहिए तो जिन लोगों के मार्क्स कम हैं तो वो यहाँ पर भर दें क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू से चली आ रही है ये फेली नहीं हो रही है अब तक कारण पता नहीं मेरे को क्या है इससे अच्छा तो हरियाणा की तरह ओपन काउंसलिंग कर लेते तो अब तक ये सीट्स फिल हो जाती तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी तो जिन भी लोगों का कहीं नहीं हुआ है तो यहाँ पर अप्लाई कर दें ये गूगल फॉर्म भरना है कोई फीस नहीं भरनी है जल्दी करिए अगर कुछ इधर उधर हो गया मतलब कुछ लेट कर दिया और आपके दिमाग से निकल गया तो आप एडमिशन से रह जाएंगे है ना तो जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है कहीं भी उनका एडमिशन हो सके उन तक ये इन्फॉर्मेशन